तो हम बात करते हैं इक्टरस की। यार जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इक्टरस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो इक्टरस इज़ व्हाट इट इज़ द येलोइश डिसकलरेशन, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा एंड ब्लड वेसल्स, सेकेंडरी टू इंक्रीज्ड बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन बढ़ जाने की वजह से। अगर देखो कितना से बढ़ जाता है बिलीरुबिन, यार मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर बिलीरुबिन बढ़ गया तो क्लिनिकली हम क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं इक्टरस को। बट इफ़ इट इज़ लेस देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो ये लेटेंट फेज है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग लेटेंट फेज है ना वो देखने को मिल सकता है इक्टरस हमारे पास इफ बाइंडिंग अगर हो जा रहा है विथ एल्ब्यूमिन। ठीक है, सो यहाँ पे इक्टरस की बात करें तो इक्टरस को यहाँ पे हम तीन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलता है। यार साइट्स की बात कर सकते हैं है ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस किस केसेस में देखने को मिल सकता है। ओके, एंड व्हेन विजिबल या फिर ग्रेडिंग क्या है। सो साइट्स की बात करें तो कहाँ पे देखते हैं, अपर स्क्लेरा के अंदर देखते हैं इसको। अपर स्क्लेरा क्यों, बिकॉज मडी लोअर स्क्लेरा जो होता है वो थोड़ा मडी होता है। एंड अपर एरिया में क्यों, बिकॉज लोअर स्क्लेरा मडी होता है। स्क्लेरा में क्यों, बिकॉज यहाँ पे इलास्टिन देखने को मिलता है इन कंजंक्टाइवा। दूसरा है सबलिंगुअल म्यूकोसा, ओरल कैविटी के अंदर देख सकते हैं इक्टेरस को। पाल्म एंड सोल्स स्किन के अंदर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो देखो दो तरीके, दो जगह, दो कंडीशन में हमारे पास इंटरेस्ट देखने को मिलता है, इन केस ऑफ जॉन्डिस एंड इन केस ऑफ हाइपर कैरोटिनीमिया। है ना, जब बिलीरुबिन बढ़ जाए तो जॉन्डिस बोलते हैं, जब कैरोटीन बढ़ जाए तो हाइपर कैरोटिनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जंडिस में स्क्लेरा में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, स्किन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट हाइपोकैरेटिनीमिया जो है वो क्यों देखने को मिलता है, यार इट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज विटामिन ए इनटेक एंड ड्यू टू हाइपो थायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर हम ग्रेडिंग की बात करें सो इसके जो ग्रेडिंग है यहाँ पे, इसको यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो सपोज करो ये हेड हो गया, ये अगर बॉडी है सबसे पहले तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, हेड के अंदर और 4 से 6 के बीच में अगर हमारे पास बिलीरुबिन लेवल है, फिर चेस्ट में 6 से 8, फिर थाइस के अंदर यार अगर 10 से 12 हो गया तो। ठीक है, उसके बाद नीचे थाइस से थोड़े नीचे 12 से 14 में, एंड ये जो एकदम नीचे सोल्स की बात करें या फिर यहाँ पे पाम्स की बात करें तो उसमें एकदम बढ़ जाने से 15 से 11 हो जा रहा है तब देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो नीचे का है वो भी ऊपर का है, मतलब यहाँ पे इसमें भी अगर हमारे पास फोर आर्म्स की बात करें तो इसमें भी 12 से 14 है तब देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडिंग हो गया। नाउ जॉन्डिस जो है इट कैन बी ड्यू टू हिपैटिक कर्स, प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक एंड हिपैटिक, जॉन्ड तीन प्रकार से कर्स हो सकते हैं। सो इसमें हम बात करें अबाउट जॉन्डिस की तो यहाँ पे प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक एंड हिपैटिक जॉन्डिस की बात करें
सो प्री हिपैटिक में हमारे पास देखने को मिल सकता है इन केसेस ऑफ सिकल सेल डिसीज, इन केस ऑफ थैलेसीमिया, इन केसेस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी आर, है ना, मलेरिया के केसेस में, है ना। ये हो गया प्री हिपैटिक। अगर हिपैटिक जॉन्डिस की बात करें तो वो हमको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकती है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ या फिर वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ वायरल हेपेटाइटिस के अंदर, इन केस ऑफ सिरोसिस। क्योंकि हेपेटिक कॉस्ट, अगर हम पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस की बात करें, बिकॉज ये हमसे पूछा जाता है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस के केसेस में भी हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर बिलिरुबिनिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने मिल सकता है, जो उससे 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, ठीक है, जो कि हमारे पास गाल स्टोन अगर हो गया है तो उस केसेस में देखने को मिल सकता है यार। इन केस ऑफ बाइल डक्ट के अंदर स्ट्रिक्चर का फॉर्मेशन हो गया है ना। इन केस ऑफ कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास, ओके, तो ये हमने कॉजेज की बात की, ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है। तो प्री हिपेटिक केसेस में हमारे पास जो जॉन्डिस है वो कैसे देखने को मिलता है, लेमन कलर्ड। एंड इन केस ऑफ हिपेटिक यहाँ पे हमारे पास कैसे देखने को मिलता है, ग्रीनिश येल्लो। इन केस ऑफ पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस ये डार्क येल्लो होता है यार। एंड इसके अंदर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्क्रैच मार्क देखने को मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्क्रैच मार्क देखने को मिलते हैं विथ ब्लीडिंग पॉइंट, यहाँ पे ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है। इन केस ऑफ हिपेटिक जॉन्डिस साइन ऑफ लीवर फेलियर्स देखने को मिलेंगे यार। इन केस ऑफ प्री हिपेटिक जॉन्डिस हेमरेज कलेक्शन देखने को मिलता है। एंड थैलेसीमिया के अंदर चिकमंग फेसिस भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट विजिबल हो, ये ग्रेडिंग है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमने बात की अबाउट इक्टेरस यार, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में साइट डिफरेंशियल डायग्नोसिस विजिबल कब होता है, ग्रेडिंग क्या है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकली अप्रिशिएट कब होता है, मोर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।